खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस, इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस, इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने। और गाइस, इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट्स के द्वारा। तो गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। और गाइस, इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस, ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस, मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस, मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा। पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस, इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस, इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस, तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस, इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस, आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस, इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस, मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस, इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस, इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने। और गाइस, इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट्स के द्वारा। तो गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। और गाइस, इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस, ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज के फूल मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज के फूल मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे, और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा।
और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने। और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट्स के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज के फूल मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने। और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट्स के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे, और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे, और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है।
तो गाइज आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइज इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइज आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइज इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइज अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइज इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं।
तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा। पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज के फूल मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे, और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा। पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज के फूल मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे, और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट।
और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 24 अप्रैल 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट्स के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी एंटरटेनमेंट और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी एंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 24 अप्रैल 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे
विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू।
तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं,
और इस मूवी को देख के आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइज मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं।
तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 24 अप्रैल 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 24 अप्रैल 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे, और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा।
और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने। और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 24 अप्रैल 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने। और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 24 अप्रैल 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस, इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने। और गाइस, इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। और गाइस, इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस, ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस, मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस, मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता पाऊंगा। पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस, इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस, इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस, आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस, इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस, मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस, इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने। और गाइस, इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। और गाइस, इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस, ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस, मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस, मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता पाऊंगा। पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस, इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे, और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे, और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के
इर्द गिर्द घूमते हुए कागज के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 24 अप्रैल 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजे लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा।
तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे, और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा।
और गाइज अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने। और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज के फूल मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने। और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे, और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल्स मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे, और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया और इस मूवी को लिखा किसने है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनिल कुमार चौधरी ने, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है फैजल कपाड़िया के द्वारा और अरुण भैरव के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे विनय पाठक और मुग्धा गोडसे और रायमा सेन, सौरभ शुक्ला और राजेंद्र सेट्टी, अमित बहल और निशिकांत दीक्षित। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है अनिकेत खंडगले ने, और गाइस इस मूवी में म्यूजिक दिया गया है वॉरियर्स आर्टिस्ट्स के द्वारा। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट, और गाइस इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है ग्लोबल फिल्मी इंटरटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 24 अप्रैल 2015 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, एक मध्यवर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमते हुए कागज़ के फूल अच्छे उपन्यासकारों की कमी के मुद्दों को छूते हैं। तो गाइस मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी में टोटल 3 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी में पहला सॉन्ग है लफड़े पै गए, दूसरा सॉन्ग है नशा, और गाइस तीसरा सॉन्ग है सरारी रैंपा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 3.9 की रेटिंग, जो कि इतनी खास रेटिंग नहीं है। तो गाइस आप इस मूवी के IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी को देख कर आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है नहीं इस मूवी की। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो गाइस मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए।